नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये है मेरा लेनोवो जूक Z1, जिसको कि मैंने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अमेजन से खरीदा था। आप हमारी पुरानी वीडियो देखो तो इस फोन के बारे में उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा था। दोस्तों अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल जो मुझको यहाँ पर सताए हुए बैठा है कि क्या ये फ़ोन आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो फिलहाल जो इनबॉक्स एडेप्टर है तो उसमें तो सिंपल लिखा हुआ है 5 वोल्ट आउटपुट है और 2 एम्पियर इसकी आउटपुट करंट है। तो दोस्तों फिलहाल अब मेरे मन में शंका बैठी हुई कि क्या ये करता है कि नहीं करता है। फिलहाल आप देख सकते हो कि USB-C टाइप पोर्ट है नीचे की साइड को और साथ में उन्होंने USB 3.0 वाली केबल भी दे दी है। तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर शंकाएँ रह जाती हैं तो कि ये करता है कि नहीं करता। फिलहाल आप देख सकते हो कि मैंने एक तरह से अपने पावर मीटर को एक अपने जो ट्रांसमोड का चार्जर आया था क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है उसके साथ कनेक्ट कर रखा है। तो फिलहाल मैं कनेक्टर लगा दिया और यहाँ पर मैंने चार्जर को कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो गिर गई है, इवन 4.9 वोल्ट पहुँच चुकी है तो, और करंट पहुँच चुका 1.38 एम्पियर। तो दोस्तों इसका मतलब ये लेनोवो जूक Z1 आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि जो क्वालकॉम की क्विक चार्ज 2.0 या क्विक चार्ज 3.0 उन दोनों को सपोर्ट नहीं करता। फिलहाल ये सपोर्ट कर रहा है तो क्विक चार्ज 1.0 को, मतलब कि 500 mAh जो कि आपको नॉर्मली जो लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो USB आउटपुट पर मिल जाती है तो उससे ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 1.0 को सपोर्ट करता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इसी कंक्लूजन के साथ कि लेनोवो जूक Z1 आपका क्विक चार्ज 2.0 या 3.0 को नहीं सपोर्ट करता है, मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।